कोई भी जो है इस क्लास पास ज्वाइन कर सकता है, इसमें किसी तरह कोई वो नहीं। यूट्यूब पे भी लाइव है, अगर मान के चलो कोई अभी जूम पर नहीं देख पा रहा होगा तो वो यूट्यूब से भी देख सकता है, जो हमारे चैनल है सुनील लांबा के नाम से, वहां पे भी मिल जाएगी आपको। अब देखो थोड़ा सा भाई मैं इसका ओवरव्यू देना चाहूंगा अब तक, क्योंकि अभी तक तो इसमें हमारे ज्यादातर स्टूडेंट वही हैं कि जो ऑलरेडी जो अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके। ठीक है, इस क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। इस क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू ये है कि देखो अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, मतलब ज्यादातर मतलब जो मतलब हार्डवेयर वगैरह कर रहे हैं लोग, हार्डवेयर चलो ठीक है अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम कर ले रहे हैं। ज्यादातर आज के टाइम में जो भी काम चल रहा है वो डबल डेकर वगैरह का चल रहा है, अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कस्टमर आपको जो है पैसे भी अच्छे दे रहा है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। फिर कहीं ना कहीं मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि मतलब चलो हार्डवेयर तो कर रहे हैं, मतलब हमारे भी स्टूडेंट की कहीं की ये बात है, हार्डवेयर बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर उनको कहीं और कराना पड़ रहा है। अब कुछ तो भाई ऐसे हैं कि मतलब जो सॉफ्टवेयर कर ले रहे हैं, और कुछ भाई ऐसे भी हैं कि मतलब जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, मतलब उनको अगर कोई सॉफ्टवेयर वाला कोई केस आ गया भाई, अगर मान लो किसी के एमएनसी प्रोग्राम होनी है, यूएफएस प्रोग्राम होनी है, तो उसमें क्या है कि फिर उनको जो है वो बाहर से कराना पड़ रहा है। अब इस चीज में देखिए एक समस्या है, समस्या क्या है कि अब जैसे मान के चलो कि आप हार्डवेयर आप करो, मान लो आपने तो अपना काम जो है डन कर दिया, आपने अपना हार्डवेयर जो है बना के उसको दे दिया, अब ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड होना पड़ रहा है, वो एक दिन लगाए दो दिन लगाए कितने देर में आपको काम करके दे या नहीं दे, तो इस तरीके से एक तरीके से आपका काम खराब हो रहा है ना। मान लो कस्टमर को तो वो कस्टमर आज के टाइम में कस्टमर का तो ये सीन है कि उनको जल्दी से जल्दी चाहिए, जितना भी एज सून एज पॉसिबल हो तो उतना जो है उनको जल्दी चाहिए। और एक चीज और भी है देखो, जब आप मार्केट में बैठे हो, जब आप शॉप पर बैठे हो ना, तो फिर आपको सिर्फ यही इसी चीज को देख के नहीं चलना होता कि भाई आप मेरे से काम आता है मैं काम करूंगा तो ठीक है, आपके अंदर हर स्किल का होना जरूरी है। कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को एक पूरा सेटिस्फेक्शन देना, तो वो भी सब फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो मैंने बहुत से टेक्नीशियन भाइयों को देखा है ऐसा कि वो मतलब उनको एक टाइम देते रहते हैं कि भाई आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा। अब कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को आप अपने ऊपर लेकर के देखो, आपने कुछ किसी को कुछ ठीक होने के लिए दिया हो और बार बार आपको जो है चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी इरिटेट हो जाओगे ना इस चीज से कि मतलब, और जो फिर आप भी यही चाहोगे कि यार उसने तो इतना टाइम लगा के दिया मुझे और आगे से जो है मैं उसकी शॉप पे नहीं जाऊंगा। तो ये भी मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि अगर जितना जल्दी आप जो है काम करके दोगे ना भाई, उतना ही मतलब आपका कस्टमर के साथ इंगेजमेंट अच्छा बनेगा, कस्टमर जो है आगे भी जो है आप ही के पास आएगा। अब देखो इस बैच की बात क्या है, इस बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट का टाइम दे बस भाई जरा। हाँ देखो भाई अभी जिन जिन भाइयों का क्वेश्चन है देखो वो भी लेंगे, अभी देखिए माइक ये फिलहाल इसलिए आप ये हमेशा आपका म्यूट नहीं रहेगा, जब कल से आपकी मेन क्लास रहेगी उसमें आपका माइक अनम्यूट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिलहाल हमें बस इसलिए म्यूट करना पड़ता है क्योंकि ये फ्री क्लास है। तो अब बहुत से स्टूडेंट तो सीखने के पर्पज से आते हैं कि भाई चलो कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी ये चाहते हैं कि भाई आप कोई अगर डेमो क्लास हो तो उसमें आप सीखो कुछ, आपको सीखने को मिले कोई नई चीज, लेकिन कुछ का कुछ होते हैं कि जिनको सिर्फ टाइम पास करना है तो फिर वो क्लास में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, तो इसलिए फिलहाल ये माइक को हमें म्यूट करना पड़ता है। अदरवाइज जब कल से आपकी ये माइक क्लास चलेगी तो फिर कोई समस्या नहीं है, आपका माइक जो है अनम्यूट ही रहेगा, कोई भी आपका क्वेश्चन हो कहीं पे कोई डाउट हो उसको जो है आप लाइव पूछ सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 9:30 से इस क्लास को जो है भाई स्टार्ट करेंगे, तो
और अगर आप इसे मतलब टाइम वगैरह का कर कहोगे आप, मतलब किसी को अगर ये थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो या फिर थोड़ा लेट हो, तो उसको टाइम को थोड़ा वो चेंज भी कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो भाई अभी जिन भाइयों का जो है मतलब क्वेश्चन है तो वो भी लेंगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा अपना क्लास कर लेते हैं, फिर जिन भाइयों का जो क्वेश्चन रहेगा तो वो भी ले लेंगे। पहले देखो इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लो कि भाई आपका सिलेबस किस तरीके से रहेगा। ये कोर्स जो है हम दो तरीके से इसको करेंगे। पहले तो मतलब आपको जो है सारा बेसिक करा देंगे इसमें सॉफ्टवेयर का। अब क्योंकि ज्यादातर इसमें फिलहाल जो मतलब ये हमने बैच निकाला था, ये इसी पर्पज से निकाला था हमने, कि जो मतलब ऐसे मतलब हमारे भाई हैं जो बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर करते ही नहीं है, अब मान लो उनको डायरेक्ट जो है मैं प्रोग्रामिंग सिखाने लग जाऊं तो जाहिर सी बात है कि वो समझ नहीं पाएंगे, तो पहले उनका बेस बनाना पड़ेगा। तो अभी तो ये जो बैच हमने निकाला है ये तो इस पर्पज से निकाला है कि पहले जो है आपका पूरा बेस बन जाए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर करा देंगे। बेसिक सॉफ्टवेयर होने के बाद मैं इसका देखो सिलेबस दिखा देता हूँ। लोग तो सिलेबस भी नहीं दिखाते, हम तो फिर भी अपना पूरा सिलेबस रखते हैं बना करके। ये देखो इसका पूरा सिलेबस है आपके सामने है, कोई आपसे कोई इसमें ये नहीं है कि भाई कोई छुपाने वाली बात है, पूरा का पूरा सिलेबस है। और यही जो है आप अब तक देखते भी आ रहे होंगे। ये वैसे तो देखो 20 दिन की क्लास है, लेकिन इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि भाई 20 ही दिन हो, ठीक है। हमारा कोई ऐसा जितने भी स्टूडेंट ने आज तक जो हमारे से ट्रेनिंग ली है वो इस चीज का जो है बता सकते हैं आपको कि हमारा मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कोई 20 दिन का तो 20 दिन में ही करना है, अगर कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे भी लगते हैं तो उसमें भी मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं। तो देखो पहले तो हम इसमें जो है आपका पूरा कंप्लीट बेसिक करा देंगे, जितना बेसिक काम होता है, जितना भी मतलब आप फ्री में कर सकते हो, जितने भी तरीकों से आप चीजों को फ्री में कर सकते हो, वो सारा इसमें पहले हम ही सिखा देंगे। फिर उसके बाद जब फिर आपको कोई डोंगल लेना पड़े, कोई मतलब जैसे आपने यूएमटी डोंगल ले, और यूएमटी डोंगल की बात ऐसी है भाई कि अभी देखो 7 दिन कल या परसों में सेल आ जाएगी यूएमटी डोंगल की भी, तो देख अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि वो उसमें फिर ऐसा है कि मतलब रेट बड़े सही हैं उसके, वो कहीं भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो स्टॉक आया हुआ है पीछे से बहुत बड़ा, तो इस तरह के रेट आपको शायद ही कहीं मिल जाए। 1-2 दिन में आएगी इसकी यूएमटी की भी सेल, तो देख जिसको चाहिए हो तो बता देना मुझे। ठीक है, तो पहले तो इसमें हम सब सारा आपका बेसिक करा देंगे, जितना भी काम होगा बेसिक, क्योंकि जैसे देखो एमटीके हो गया आपका, एमटीके का आप ये मान के चलो लगभग आपका फ्लैशिंग तो वगैरह का काम जो है आपका लॉक वगैरह का है, ये सब कुछ जो ज्यादा हाई सिक्योरिटी के हैं तो उनकी तो देखो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मतलब ये मान के चलो 70% तक फोन जो है आपके फ्री में ही करवा देंगे। ना आपको कुछ उसमें टूल खरीदने की जरूरत और ना ही जो है आपको मतलब किसी चीज में इन्वेस्ट करने की होती। लेकिन देखो बात वही ऐसी है कि इन्वेस्ट तो देखो आपको करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज आपको फ्री में नहीं मिल सकती, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन पहले मेरा मतलब यही रहेगा कि जब आप मतलब ये क्लास जैसे आप कर रहे हो तो एकदम से पहले आपको कोई ये छलांग नहीं लगानी कि आप इजीजेट अटैक बॉक्स ले लें, यूएफआई ले लें। पहले एक सिंपल सा पहले आप बेसिक सीखो, जब आपको बेसिक आ रहा है समझ में, आप यूएमटी डोंगल खरीद लो सबसे पहले, यूएमटी डोंगल खरीद लो या फिर अनलॉक टूल खरीद लो, और जिसका बजट मतलब ठीक है तो दोनों ही खरीद लो तो ज्यादा ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर मान लो अभी आपका यूएमटी का बजट है तो यूएमटी खरीद लो, अनलॉक टूल का है तो अनलॉक टूल खरीद लो आप, क्योंकि वो दोनों तो चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एमटीके वगैरह की, जो एमटीके हो गया आपका और एक जो है इसमें आपका सैमसंग हो गया, इनके तो लगभग 70% फोन आपके फ्री में ही करवा देंगे, चाहे वो फिर एफआरपी का हुआ चाहे वो फिर आपका लोक का हुआ, ये तो लगभग ये मान के चलो ये 70% आप कैसे ही निकल जाएंगे। क्वालकॉम के मान के चलो आप लगभग 50-60% जो
मतलब जो अभी के बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी के जो फोन है उनमें तो देखो आपके ये टूल्स लगेंगे जो पेड वाले हैं, लेकिन लेकिन 50-60% जो फोन है उनमें भी आपकी कोई टूल वगैरह लगेंगे नहीं, उनको फ्लैश करने में, फायर पे निकालने में, या फिर जो है उसका कोई सिक्योरिटी को रिपेयर करने में, या फिर उसके जो है कोई पिन पैटर्न पासवर्ड निकालने में, वो भी आप अलग रुपये में करा देंगे। लेकिन जब मतलब बात आपके थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना, जब आपका मान लो प्रोग्रामिंग लेवल पे आप आओगे, या फिर आपको सिक्योरिटी लेवल पर आओगे आप, तो फिर वहां पे जो है ना भाई, वहां पे थोड़ा फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो इतना कोई ज्यादा भी नहीं है यार, मतलब जब आपको देखो काम करना है तो फिर तो कोई ज्यादा मतलब, फिर तो देखो जब आप अपने धंधे में अपने काम में आप लगाओगे तो तभी आप अर्न कर पाओगे। अगर आप मतलब ये सोचते रहोगे कि भाई अभी मैं लगा के क्या करूंगा, मेरा पैसा तो कहीं फंसने जाएगा, तो उस चीज का तो फिर देखो कोई फायदा है नहीं। तो स्टार्टिंग में तो मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि पहले आप या तो यूएमटी एटलीस्ट ले लो आप, या फिर आप अनलॉक टूल ले लो। अगर आपका बजट ठीक है तो दोनों ले लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कहीं पे आपकी यूएमटी कारगर है, और एक देखो यूएमटी आती है और एक आती है यूएमटी प्रो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है यूएमटी ले, क्योंकि जो यूएमटी प्रो आती है आपके उसमें एक वो होता है, बस एक सेटअप होता है वो अलग उसमें, जिसकी अभी कोई मतलब जरूरत है नहीं आज के टाइम पर। वो कीपैड फोन वगैरह के लिए आता है, वो होता तो ऐसा कुछ ना, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, उसका मैंने आज तक कभी यूज भी नहीं किया। तो अगर यूएमटी ले लो, हमें जरूरत किस किस चीज की है, एक तो इसमें हमारा ये यूएमटी एमटी के चलता है, एक इसमें क्यूसीफायर ये सबसे ज्यादा चलता है, ठीक हो गया ना। और कुछ मॉडल में मतलब जो बहुत कम ऐसे मॉडल हैं जो एसपीडी चिपसेट को जो है सपोर्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं जो यूनिसॉकेट बोलते हैं जिसको, तो उसमें फिर ये भी थोड़ा बहुत काम करता है। एक इसका जो मैं बता रहा हूँ यूएमटी प्रो के साथ जो आता है वो सेटअप, तो उसके तो शायद ही आपको भी कभी नीड पड़ी पड़ी हो। और इनके रेट में काफी डिफरेंस है, लगभग ये मान के चलो 700-800 रुपये का डिफरेंस है मतलब यूएमटी प्रो में और इसमें। तो जब उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो फिर उसमें बेफालतू में क्यों पैसे डालने, ठीक है ना। तो ये तो बात इसकी हुई। जब देखो आप एक यूएमटी ऐसी चीज है, देखो सॉफ्टवेयर का ना भाई काम कुछ ऐसा होता है आपका कि अगर आप जैसे आपने यूएमटी अगर अच्छे से सीख ली ना आपने चलानी, तो मैं कहता हूँ कि फिर ये आपके इजीजी टैग बॉक्स हुआ या यूएफआई हुआ, मीपी टेस्टर हुआ, ये चलाना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। बस आप मन लगा के किसी एक चीज को सीख लो। आपने जैसे आप पहले बेसिक सीखोगे तो बेसिक में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर होता कैसा है, किसमें कैसी फाइल डलती है, कैसे डाउनलोड होती है, कैसे बूट होती है, कैसे एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। जब वो चीजें पता चल जाएंगी फिर जब आप यूएमटी चलाना सीख जाएंगे पूरा, या फिर अनलॉक टूल चलाना पूरा सीख जाएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूएमटी चलाना सीखें, क्योंकि इसमें अनलॉकिंग फ्लैशिंग के अलग भी बहुत कुछ है। और अनलॉक टूल का देखो ऐसा है कि अगर आपके पास काम ज्यादा है, इस तरह का ज्यादा काम है कि भाई अनलॉकिंग वगैरह का ज्यादा काम है या फ्लैशिंग वगैरह का ज्यादा काम है, फ्लैशिंग का भी नहीं मैं कहूंगा, अनलॉकिंग का अगर ज्यादा काम है ना आपके पास, तो तब फिर अनलॉक टूल भी आप कर सकते हो। क्योंकि जहां तक मैं आजकल जो मतलब देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे फोन बहुत आते रहते हैं लॉक वगैरह के मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसमें यूएमटी फेल हो रही है आजकल, और अनलॉक टूल जो है मतलब फिलहाल उस पर अच्छा खासा काम कर रही है। तो अगर मान लो आपका दोनों का बजट है तो वो ले लोगे तो ज्यादा ही अच्छी बात है। अब जब देखो आप यूएमटी सीख गए चलाना या फिर अनलॉक टूल आप चलाना सीख गए, तो फिर आपका लेवल जो आता है वो आता है फिर प्रोग्रामिंग लेवल का। प्रोग्रामिंग लेवल क्या है आपका कि देखिए जो आपकी यूएमटी है या फिर ये आपके अनलॉक टूल हो या फिर आप जो फ्री में करोगे, तो ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं ये वे यूएसबी होते हैं, आपके यूएसबी के थ्रू होते हैं। यहाँ पे एक लूप काम करता है आपका कि सबसे पहले तो वो डाटा आपके सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू से प्रोसेस होकर के वो डाटा आपकी एमएमसी में जाएगा, तो ये तो एक इसका प्रोसेस रहता है आपका। लेकिन जब हम ईएमएमसी को निकाल लेते हैं, मतलब कि जब कई बार ऐसा होता है कि ईएमएमसी की हेल्थ खराब हो या फिर ईएमएमसी की जो है कुछ और प्रॉब्लम हो, पार्टीशन करप्ट हो गए और कुछ चीज हो, तो वहां फिर आप यूएसबी से काम नहीं कर पाते। यूएफएस हो गई आपकी कुछ प्रॉब्लम है किसी की तरह की, उसमें पार्टीशन करप्ट है कुछ भी है,
तो फिर वो यूएसबी से रिपेयर नहीं हो पाते। उसमें फिर क्या करना पड़ता है आपको, या तो आप आईएसपी के थ्रू करो, ठीक होगी ना बात। देखो अब या तो फिर मतलब उसके पास आपके पास क्या तरीके रहते हैं, या तो फिर उसको आप आईएसपी से कर लो। और अब जैसे आपका यूएफएस चिप हो गई है अभी आपके, जैसे मान के चलो आपका यूएफएस जो चिप रहेगी, उसके जो आईएसपी है वो इतने इजी भी नहीं होते कि मतलब आप उसको, एक हैंड स्किल भी आपको अच्छी चाहिए। तो अगर जब मतलब आपका कोई काम यूएसबी से आपका नहीं होगा, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग लेवल पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम आपका, कि जब सबसे पहले आप बेसिक अपना सीख जाओगे कंप्लीट, आपको पूरा यूएमटी डोंगल जो है कंप्लीट आपको सिखा देंगे चलाना कंप्लीट, जितना भी काम होता है। उसके बाद जब आप यूएमटी डोंगल और अनलॉक टूल सीख जाओगे आप चलाना, फिर उसके बाद आपको यूएफआई पे लेके जाएंगे। यूएफआई आपने कंप्लीट चलाना सीख लिया, एमएमसी पर कंप्लीट काम करना आपने सीख लिया। फिर जब इसके बाद हम आपका जब ये लेवल आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई और बैच में या फिर किसी और में आगे उसको आगे जब जो स्टार्ट होंगे उसमें फिर आपको और आगे का लेवल कराएंगे, जिसमें आपका यूएफएस हो गया, आपका मीपी टेस्टर हो गया, इस तरह के जो और एडवांस लेवल के जो ऑनलाइन क्लासिंग हो गई, ये सब चीजें जो एडवांस होती हैं वो फिर उसमें आपका कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ हमारी क्लास चलेगी। तो ये तो एक क्लास का ओवरव्यू था, किस तरीके से क्लास होगी, किस तरीके से मतलब इसका पैटर्न रहेगा क्लास का। मेन इसका मतलब हमारा जो टारगेट था वो यही था कि जो मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये जो भाई हमारे ऐसे हैं कि फिलहाल जो मतलब जिनको काम जो है बाहर कराना पड़ता है, तो उनको बाहर ना कराना पड़े, अपना खुद का काम है अपना खुद करें, ठीक हो गया ना बात। थोड़ा सा क्लास के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्लास वगैरह का क्या किस टाइम हो, कैसे होगी। देखो ये क्लास लगभग आपके डेली की 1 से 1.5 घंटे की चलेगी, संडेस में ऑफ होता है आपका, बाकी क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। और क्लास की अगर हम बात करें, तो जैसे मान के चलो अगर ये टाइमिंग आपके लिए थोड़ा सही ना हो, आपको लग रहा हो कि भाई ये थोड़ा टाइमिंग ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसको दिन में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक होगी बात। तो आई होप कि जो आपका इतना तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि मतलब किस तरीके से क्लास में पैटर्न रहेगा, क्या कुछ हम इसमें सीखेंगे, वो सब चीजें रहेंगे। चलो अब थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करते हैं कि भाई और किस तरीके से सॉफ्टवेयर की जनरेशन है, कैसे आपको जो है काम करना है, कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि देखो अभी मेरी बातें आपको बहुत बेसिक लगे, ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल आपको लगेंगी अभी बेसिक बातें मेरी, लेकिन ये मेरा एक तरीका है कि सबसे पहले अब मान के चलो पहले दिन ही अगर मैं आपको सारी चीजें एडवांस कराने लग जाऊँ, तो कल को आप ही मुझे कहोगे जी हमें तो कुछ समझ नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि इसमें होता ऐसा है आपका कि धीरे धीरे जो आपका लेवल है उसको हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे मैं आपको देखो अभी जो क्लास चल रही है जिन स्टूडेंट की, थोड़ा मैं उनसे आपको बताता हूँ। पापा जी आप सुन पा रहे हो मुझे? अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज जवाब दें। और भाई कोई जो मतलब हमारे फिलहाल रनिंग बैच चल रहा है इससे पहले वाला, उससे कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज जवाब दें। यस सर, सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा तो हाँ थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि मतलब जिस तरीके से हमारा पढ़ाने का पैटर्न रहता है, तो हो सकता है कुछ को स्टार्टिंग में लगे कि सर तो बहुत बेसिक से बता रहे हैं, तो क्या ये आगे भी बेसिक ही रहता है, थोड़ा सा बस ये बताइए आप मुझे। नहीं, एक्चुअली मैं न्यू स्टूडेंट था आपका सर, तो बेसिक से ही आपने लेके चला, जब भी तो कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आया। अगर एडवांस लेवल पे ही ले जाते हैं तो उस नीचे का ही नहीं समझ में आएगा तो ऊपर कैसे समझेंगे सर? और अभी का लेवल कैसे चल रहा है आपका? अभी तो ऊपर का लेवल आ गया है सर।
तो देखो पैटर्न मतलब यही रहता है कि पहले तो मतलब आपको जो है सारी चीजें क्लियर करा दी जाएं, फिर धीरे धीरे आपका लेवल जो है बढ़ाया जाए। अब आज मैं कुछ करा रहा हूँ, कल को कुछ करा रहा हूँ, तो उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं है, ना ही तो वो आपको समझ में आएगा और ना ही फिर उसमें कुछ मुझे कराने में होगा। ठीक है, और एक तरीका भी देखो यही है कि अगर मान लो देखो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि भाई जो पहले से मतलब जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक उनका लेवल आएगा तो वो उनको वहां से समझ आना शुरू होगा। अब जो स्टूडेंट मतलब जो फ्रेशर हैं जिनने कभी सॉफ्टवेयर करा ही नहीं, तो हमें तो उनको भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है ना। तो अब सभी चीजों को ध्यान में रख के चलेंगे तो तभी जो है आप काम सीख पाएंगे। अगर मान लो किसी हम बीच कभी बीच में से कुछ करा दे रहे हैं, कभी कुछ करा दे रहे हैं, तो फिर ना ही तो आप सीख पाओगे ना ही हम आपको सही से सिखा पाएंगे। चलो देखो थोड़ा सा, सबसे पहले तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानो कि सॉफ्टवेयर है क्या। जब भी देखिए आपका कोई एक मोबाइल होता है तो ये आपका दो ही चीज से मिलके बना हुआ होता है आपका। एक तो इसमें आपका हो गया और हार्डवेयर, हार्डवेयर तो कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि और सारी उसका जिसमें आपकी पावर आईसी हो गई, सीपीयू हो गया, एमएमसी हो गई, डीसी टू डीसी कन्वर्टर हो गए, ये सब चीजें हो गई, तो वो सब आपके हार्डवेयर में आ जाती है। अब जो इनका यूआई है, यूजर इंटरफेस है, जिससे जिस पर आप काम करते हो, आप गेम खेलते हैं, आप कुछ भी मतलब आप चलाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है इसका सॉफ्टवेयर होता है। तो कोई भी अगर आपका फोन हो तो वो जो आपका चलता है वो आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दो चीज की वजह से जो है वो आपका चलता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, इनमें से अगर कोई भी चीज एक ऐसी हो कि जिसमें जो है आपका या तो हार्डवेयर फेल हो जाए या फिर आपका सॉफ्टवेयर फोन फेल हो जाए, तो मोबाइल जो है आपका डेड हो जाता है। समझ गए ना बात को? या तो चाहे तो इसमें आपका हार्डवेयर फेल हो जाए, सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, तो मोबाइल आपका डेड है वही। अब देखो हार्डवेयर का तो सीन ये हालांकि देखा जाए ये एक दूसरे से कोई एसोसिएटेड नहीं है, जो हार्डवेयर है वो तो उसका काम एक अलग हो गया आपका, सारे जितने भी वर्क है उसको प्रोसेस करना और जितने भी काम है उसको जो है प्रोसेस करना, जैसे वोल्टेजेस आप पावर सीपीयू को पावर देना हो गया, आपका एमएमसी को पावर देना हो गया, और जितने भी सेक्शंस है उन सबको पावर देना हो गया, ऑडियो जनरेट करना हो गया, नेटवर्क जनरेट करना हो गया, ये सारे काम तो देखो आपके हार्डवेयर के ही होते हैं, पर उस हार्डवेयर को रन कौन कर रहा होता है? एक सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। जब देखिए कोई हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया आपका आई टू सी, MIPI, और इसमें आपका I2S हो गया, इस तरह के कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं। एक आईसी उस सॉफ्टवेयर को वो तभी जो है सपोर्ट कर सकती है यदि वो आईसी जो है एक प्रोग्रामेबल आईसी हो। आप कहो जी मैं तो एलडीओ को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करूंगा, क्या है पॉसिबल? आप कहो जी मैं तो रजिस्टर को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करूंगा, क्या है पॉसिबल है? आपको जी मैं एक कैपेसिटर को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करूंगा, क्या है पॉसिबल है? नहीं, उसको जो है मतलब आप कोई आईसी होगी उसको सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है तभी जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि वो आईसी जो है प्रोग्रामेबल हो, उस आईसी में जो है आपकी कोई कम्युनिकेशन बस यूज की गई हो जो उस प्रोग्राम को रीड एंड राइट कराए या फिर उस प्रोग्राम को जो है रीड करे, और वो आईसी खुद एक प्रोग्रामेबल हो। क्योंकि अगर वो आईसी प्रोग्रामेबल होगी तो तभी तो उसके डेटा इस सॉफ्टवेयर में डाली जा सकती है, और अगर वो आईसी आपकी प्रोग्रामेबल ही नहीं है तो इस सॉफ्टवेयर में कैसे उसकी डेटा होगी फिर? समझ गए ना बात को? जैसे देखिए कई बार आपने देखा होगा कि हैंडसेट डेड, सॉफ्ट आप फ्लैशिंग करते हैं तो डेड हो जाते हैं मतलब हैंडसेट, ऐसा क्यों होता है आपका? क्योंकि देखिए इसके पीछे भी बहुत सारी वैसे तो वजह होती है, लेकिन एक जो जनरल सी वजह होती है, जैसे एमटीके सेट होते हैं, एमटीके सेट में कई बार आपने भी देखा होगा आपसे कोई गलत फाइल अगर डल गई या फिर आपने प्रोग्रामिंग के,
कोई गलत फाइल जो है डल गई, तो जैसे कोई गलत फाइल अगर उसमें डल गई ना तो फोन डेड हो जाता है। ऐसा होता क्यों है आपका? क्योंकि देखिए होता ऐसा है आपका कि जो आपकी एक ईएमएमसी रहती है जिसको एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड हम बोलते हैं, या फिर एक जो है आपकी एक यूएफएस रहती है, चाहे अभी के टाइम पे तो जो है आपकी यूएफएस ही यूज होते हैं क्योंकि ईएमएमसी का तो लगभग टाइम अभी चला ही गया है, जो थोड़ा सस्ते हैंडसेट है उनमें आती है आपकी। कुछ भाइयों के बारे में बताना चाहूंगा कि जो आपकी ईएमएमसी होती है इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क चलती थी और अब जो है एसएसडी चलने लग गई है, या फिर M.2 मेमोरी चलने लग गई है, या फिर और उससे भी एडवांस तरह की मेमोरी चलने लग गई है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। है दोनों ही मतलब फ्लैश मेमोरी ही, जो ईएमएमसी वो भी एक फ्लैश मेमोरी है, जो यूएफएस है वो भी एक फ्लैश मेमोरी है। बस डिफरेंस इतना है कि जिस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क थी तो हार्ड डिस्क की जो रीड राइट स्पीड थी तो वो कम थी, आप उसमें एसएसडी लगा देते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव तो उसकी रीड राइट स्पीड बढ़ जाती है, वही सेम चीज इसके भी साथ आपके यूएफएस में। अब देखो जैसे ये एमएमसी होती है तो इसके भी ना भाई मतलब काफी सारे इसके वर्जन आते हैं, जैसे कि आपका पहले के टाइम में चलते थे आपके 5.0, 1.7, 1.6 और 4.0 इस तरह के चलते, तो वो एक लोअर वर्जन थे। अभी इसके जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वर्जन गए हैं वो 1.8 और 5.1 गया है, ठीक है, ये इसका मतलब हाईएस्ट था मतलब फिलहाल के टाइम में, और इससे ऊपर का तो मैंने कभी कोई देखी नहीं है। एमएमसी 1.8 5.1 ही जो है मतलब सबसे लास्ट तक ये रही। यूएफएस की अगर हम बात करें तो 2.0 से मतलब मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ, तो उससे भी पहले होगा क्योंकि 1.0 भी तो आता है, लेकिन फोनों की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें जो आना शुरू हुआ है 2.0 से आना शुरू हुआ, और अभी आप देखोगे तो ये 4.0 तक भी पहुंच गया है। ये इसके वर्जन होते हैं। वर्जन से मतलब क्या है कि जिस तरीके से पहले कोई चीज बनी तो उसमें मान के चलो कोई कमी रही तो फिर उसका दूसरा वर्जन निकाला गया तो उसमें उस चीज को फिक्स किया गया, फिर एक और वर्जन निकाला गया फिर उसमें उसको फिक्स किया गया, तो इस तरीके से। अब जैसे देखिए मैं आपको बात बता रहा था कि अब कई बार हैंडसेट जो है डेड हो जाते हैं मतलब गलत फ्लैश फाइल चढ़ने से, ऐसा होता क्यों है आपका? देखिए होता इसमें ऐसा है कि देखिए जैसे आपकी कोई ईएमएमसी है या फिर आपकी कोई यूएफएस मेमोरी है तो उसमें एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है आपका सीआईडी नंबर, इसको हम बोलते हैं सीआईडी नंबर बोलते हैं, और ये लगभग आपका 15-16 नंबर के आसपास की एक कोड होता है। ये अगर आप किसी मेमोरी कार्ड को देखोगे तो ये उसमें ही मिलेगा आपको, तो जिस तरह की भी ये फ्लैश मेमोरी होती है आपकी ये ज्यादातर आपको इन सब में मिलता ही है देखने को, ठीक होगी ना बात? अब जैसे हमारे पास कोई अगर हैंडसेट हो, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक मान के चलिए ओप्पो का कोई F3 है, ये एक एम टी के चिपसेट है, या फिर F3 हो गया F3 प्रो हो गया, तो ये एम टी के है। तो अब देखो जो आपके ईएमएमसी है ये किसी कोई एक कंपनी की नहीं आती, इसको बनाने वाली मल्टीपल कंपनी है। जैसे एक कोई मॉडल है ये आपका F3 है और इसके जो है आपके ये मान के चलिए 10 तरह की इसमें ईएमएमसी यूज की गई। ऐसा नहीं होता मतलब कि हर फोन में आपको जो है सेम ईएमएमसी और सेम सीआईडी की जो है ईएमएमसी मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ईएमएमसी बनाने वाली कंपनी होती हैं ये कुछ इस तरीके से हैं आपकी, जैसे कि आपका एसके हाइनिक्स हो गया, सैमसंग हो गया आपका, ये सबसे ज्यादा मतलब आपकी चलती है, एसके हाइनिक्स हो गया, सैमसंग हो गया, फिर इसमें आपकी माइक्रोन भी आती है, ये एक बेकार है मतलब हीट वगैरह से जल्दी खराब हो जाती है, और भी आती है तोशिबा वगैरह हो गया आपका, किंगस्टन हो गया, इस तरह की आती हैं। सबसे ज्यादा जो चलती हैं एसके हाइनिक्स और सैमसंग, सबसे पावरफुल की बात करें तो एसके हाइनिक्स ही होती है, फिर दूसरे नंबर पे आपकी सैमसंग आती है। अब एक जो ये F3 मॉडल निकाला गया इसमें 10 तरह की ईएमएमसी यूज की गई, और हर अगर मान लो 10 हैंडसेट हैं तो उसमें 10 ईएमएमसी को डिसाइड कर दिया, 10 भी छोड़ो आप 5 कर दिया हमने, कि इसमें 5 तरह की एमएमसी लगी हुई है,
एक में जो है आपकी एसके हाइनिक्स लग रही है, एक में सैमसंग लग रही है, एक में आपकी माइक्रोन लग रही है, या फिर अगर जरूरी नहीं कि अलग अलग कंपनी की ही हो सकता है सब में सैमसंग भी लग रही हो, पर हर किसी का एक जो सीआईडी नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। कभी भी किसी भी आपके फ्लैश मेमोरी का एक जो सीआईडी नंबर होता है वो सेम नहीं हो सकता आपका। एसके हाइनिक्स होगी तो उसका अलग होगा, और सैमसंग होगी तो उसका जो है फिर आपका अलग होगा। अब कंपनी को पता है कि मैंने अपने 100 मॉडलों में 5 तरह की, मतलब 5 सीआईडी की ईएमएमसी डाली है, ठीक है। कंपनी को इस बात का पता है कि मैंने 100 मॉडल निकाले, ठीक है, तो मैंने उसमें 5 तरह की जो सीआई 5 तरह की सीआईडी की जो है मैंने ईएमएमसी निकाली है, और वो जो है मैंने उनमें जो है लगाई है, ठीक होगी ना बात। अब अगर मान के चलिएगा आप बात, अब ये जो 5 तरह की एमएमसी की सीआईडी जो है, मतलब जो इन सब जितने भी 100 फोन हैं इन सब में आपको जो ये मिलेगी देखने को, अब यही सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी है वो जब इसका सॉफ्टवेयर बनाएगी ना, जब इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा, तो अगर ये आपका एमटीके है, मीडिया टेक है, तो इसमें एक आपकी प्रीलोडर फाइल होती है, आपको शायद अभी मतलब बहुत से भाई जो करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए भाई हैं तो उनको शायद अब इसके बारे में नहीं पता हो, एक प्रीलोडर फाइल होती है। उस प्रीलोडर फाइल में ये जो 5 तरह की ईएमएमसी सीआईडी जो कंपनी ने यूज की है अपने फोनों में, ये ऑलरेडी स्टोर होती है। मान के चलिए कि एक जो ईएमएमसी है उसका सीआईडी नंबर है आपका 5XX, दूसरी का है 6XX, तीसरी का है आपका 7XX, फोर्थ का है आपका 8XX, और इससे जो आपकी फिफ्थ है उसका मान के चलिए 9XX है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ना आपकी, ये पूरी की पूरी इस प्रीलोडर उसमें रहेगी, जो ये प्रीलोडर फाइल होती है आपके सॉफ्टवेयर में। अब इसी फाइल को, अब देखो ऐसा तो है नहीं ना भाई, अगर 100 मॉडल निकाले इस ओप्पो F3 के, तो हर 100 मॉडल के लिए एक अलग अलग फाइल बनेगी, ऐसा तो नहीं है ना। एक फाइल तो एक ही होगी, पर वो चढ़ जाएगी वो उन 100 के 100 मॉडल पर, सब पे राइट हो जाएगी वो आपकी, वो होगी क्यों, क्योंकि कंपनी उसमें जो है, जो मतलब कंपनी ने उसके अंदर ईएमएमसी यूज की है, जो सीआईडी उनकी यूज की गई है उस ईएमएमसी की, वो इंफॉर्मेशन इस प्रीलोडर फाइल में रहती है आपकी। अब अगर इस प्रीलोडर, मतलब अगर ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसमें उस ईएमएमसी की इंफॉर्मेशन है, ये ईएमएमसी है, इसकी इंफॉर्मेशन इस प्रीलोडर में है, तो इस फाइल को अगर हम इस ईएमएमसी में राइट कर देंगे तो कभी भी ये फोन डेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इसकी सीआईडी है, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये फोन जो है आपका चलेगा, सही फाइल चढ़ जाएगी, सही रहेगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फोन डेड कब होता है, कि देखिए कि जब आपकी सीआईडी मिसमैच हो जाए, यानी कि इसमें जो सीआईडी है वो है आपकी मान के चलिए 1 2 XX, कुछ इस तरह की इसकी सीआईडी नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वैसे इसका नंबर बड़ा होता है, 15 से 16 नंबर का होता है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ बस, ठीक होगी बात। ये है, अब ये इंफॉर्मेशन इसमें है ही नहीं, अब ये नहीं है, आपने इस फाइल को इसमें जो है डाल दिया, फोन पर डेड हो जाएगा वहीं का वहीं आपका, तो ऐसा होता है। देखो सीआईडी नंबर देखो कैसा होता है, डेड होने की वजह कुछ इस तरह की, वैसे देखो वजह और भी हो सकती है, कहीं अगर जैसे बूट फाइल ना हो आपके सॉफ्टवेयर में, या फिर आपके सिस्टम फाइल ना हो, या फिर उसके सही से पार्टीशन ना बन पाए, तो डेड होने की वजह तो और भी बहुत होती है, लेकिन एक ये भी एक मुख्य वजह है, मतलब कि कई बार अगर हम कोई गलत फाइल डाल देते हैं तो इस वजह से भी वो हो जाती है। अब अगर वो मान के चलिए वो डेड हो गया और यूएसबी से जो है फिर वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो फिर आपके पास फिर एक ही चारा बचता है कि आप किसी प्रोग्रामर बॉक्स का जो है आप यूज करें, आप किसी जो है प्रोग्रामर बॉक्स का यूज करें और उसको जो है आप रिपेयर कर लें, बस फिर एक ही चारा आपके पास बचता है। लेकिन देखो खतरा पता क्या है, सैमसंग के फोनों में थोड़ा सा आपका खतरा रहता है,
क्योंकि सैमसंग के फोनों में ये है आपका कि भाई उसमें आपको अगर उसमें आपको सॉफ्टवेयर करना है या उसमें कुछ भी आपको काम करना है तो पहले आपको उसको डाउनलोड मोड पे ले जाना पड़ेगा। अब जब वो डाउनलोड मोड पे जाएगा तो तभी वो पोर्ट बनाएगा। हालांकि देखो इसके कुछ एडवांस मेथड भी हैं, वो भी आपको जो है आगे बताएंगे कि डाउनलोड मोड पे अगर ना भी जाए तो भी आप कैसे काम करो। लेकिन अगर एक कोई जनरल कोई सामान्य एक टेक्नीशियन उसको देखेगा तो वो इस चीज को देख के मान लो डाउनलोड मोड पे जाएगा तो पोर्ट बनाएगा, तभी आप उसमें सॉफ्टवेयर कर सकते, तभी कुछ और कर सकते हो आप उसमें। अगर डाउनलोड मोड में जा ही नहीं रहा, वो डैडी हो गया, तो बंदा तो घबरा जाएगा ना कि यार ये तो डैडी हो गया हैंडसेट। तो उसमें फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब सैमसंग के साथ तो ये रहता है कि उसमें कोई गलत फाइल ना डल जाए, क्योंकि वो ऐसे बूट होता ही नहीं, वो पोर्ट नहीं बनाता ऐसे। और अगर हम यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल किसी दूसरे हैंडसेट की, जैसे क्वालकॉम हो गया, एमटीके हो गया, तो एक बार के लिए अगर ये डेड भी हो जाए ना तो फिर भी अगर ये डेड है और पोर्ट बना रहे हैं तो तब भी फिर इनकी पॉसिबिलिटी रहती है कि इनको हम दोबारा से जो है मतलब लाइव कर लेंगे। तो ऐसा रहता है इसमें। जब मतलब आप काम करोगे तो फिर तो आपको मतलब पता सारा चल जाएगा, जैसे मैं आपको अभी सैमसंग का बता रहा हूँ, तो फिर आपके लिए ये नहीं रहेगा कि भाई आपको जो है मतलब सैमसंग की कोई प्रॉब्लम हो। उसके और तरीके भी होते हैं, जैसे मान के चलो वो आपका डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा तो घबराने वाली कोई बात नहीं, उसको यूएसबी से ही कर देंगे, बस उसमें फिर जो है फोन को खोलना पड़ेगा आपको और फिर उसका मेथड भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी तो जैसे वो आपका ओडिन से हो जाएगा आपका फ्लैश, लेकिन फिर वो हम जब दूसरा मेथड उसमें लगाएंगे फिर वो सीपीयू बेस्ड फ्लैश होगा, बस फिर ये हो जाता है आपका। ठीक होगी बात भाई। अभी देखो सीआईडी नंबर कैसा होता है आपका, थोड़ा ये भी देखो। इस सीआईडी नंबर में देखो होता क्या क्या है आपका, थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा भाई। एक बार ये बता दो, मेरी आवाज वगैरह सही आ रही है आप सभी के पास, मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पता ही ना चले। हाँ आ रही है, आ रही ठीक जी जी आवाज आ रही ठीक है। ठाक आ कभी रहा कभी सर कट रहा है सर। है। हाँ वो थोड़ा सा भाई थोड़ा नेट का इशू है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज, बाकी कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी थे लास्ट में करेंगे। कोई बात नहीं, वो कर लेना, उसका कोई समस्या जी वाली जी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन का कोई ऐसा वो नहीं है, मैं देखो अभी आपको अपने स्टूडेंट से मतलब पूछवा दूंगा मैं आपको, कोई ऐसा मतलब सीन नहीं है कि भाई आपका कोई क्वेश्चन ना सुने या फिर आपका कोई वो ना हो, पूरा पूरा मतलब आपका टाइम इसमें देंगे आपको, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी अपना डाउट क्लियर करना हो आराम से करो। पहले क्लास करा लेते हैं, क्लास के बाद फिर टाइम देते हैं इसमें कि भाई जो आपका डाउट हो कुछ भी हो तो उसको जो आप पूछ लो। देखो इस तरीके की होती है भाई, कोई ईमेंसी होती है ना आपकी, तो ये तो थोड़ा देखो फोटो क्लियर नहीं आ रहा, इसको देखते हैं थोड़ा। हाँ इसमें देखो ऊपर होते हैं ये देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये सीआईडी नंबर, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये एक कोड होता है, इसके अंदर मतलब होता क्या है आपका कि जो आपकी ईएमएमसी है वो उसका साइज क्या है, उसमें रैम कितना है, उसका बोट वन बोट टू आरपीएम का साइज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। अगर मान लो आप इसकी डिटेल आप निकालना चाहो ना तो वो निकल जाते हैं गूगल से, उसके बारे में मतलब ईएमसी के बारे में आप पता कर सकते हो कि वो किस तरह की है किस तरह की जो है नहीं है। तो मतलब ये चीजें होती हैं, मतलब जब आप मतलब सॉफ्टवेयर करने लगते हो तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी कि मतलब जिनके बारे में भी आपको बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि भाई ये ऐसा हो गया तो कैसे हो गया, ऐसा हो गया तो कैसे हो गया, तो वो सब चीजें फिर आपकी इसमें होंगी क्लियर। ठीक हो गया ना बात। तो आज तो देखो एक छोटे से एक डेमो क्लास थी आपकी, और कल से इसकी मेन क्लास करेंगे अपना। ठीक है बाकी थोड़ा आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा भाई किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगे, किस तरीके से आपका क्या होगा, वो तो थोड़ा आपको यहाँ से आइडिया लग ही गया होगा। बाकी आज तो एक आपकी नॉर्मल डेमो क्लास थी, तो इसमें फिलहाल थोड़ा सा इंटरनेट का भी आज आज इशू है, तो इसलिए इसको ज्यादा अभी फिलहाल लॉन्ग कर नहीं सकते।
हाँ बाकी अभी मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको जो है मैं ले लेता हूँ, कल से इसके अपने जो है मेन क्लास करेंगे।